वक्त के साथ बदलते हमने कुछ चीज़ें देखी, बुज़ुर्गों के हाथ हमने अपनी लकीरें लिखी देखी, बुज़ुर्गों के हाथ हमने अपनी लकीरें लिखी देखी। उसी तरह हमने कुछ ऐसे इंतज़ाम देखे जो ख्वाहिशें आम देखे, उसी तरह हमने कुछ ऐसे इंतज़ाम देखे जो ख्वाहिशें आम देखे। हमने कुछ ऐसे रसूमात देखे जो हर किसी में आम देखे, हमने कुछ ऐसे रसूमात देखे जो हर किसी में आम देखे। वहीं हमने कुछ ऐसे कलाकार देखे, कुछ ऐसे कलाकार देखे। सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। आज मेहंदी रात का दिन है, आपको तो पता है काम कितना होता है, वो चीज़ तो पता है। अभी मैं आपको दिखाऊं मैं किस पे बैठा हूँ। एक्चुअली मेरे को क्या है कि राशि के फादर को थोड़ा सा काम था तो गाड़ी अवेलेबल नहीं थी, तो गाड़ी गई भी थी कहीं, तो ऑटो इस बार बोलते ऑटो लेकर आए हुए हैं, लोड कैरियर है ना, जो लोड कैरियर उसमें ये चला के आ रहा हूँ मैं। अभी फ़िलहाल हम साइड पर रुके हैं, इधर से वेट कर रहा हूँ मैं उनका, वो काम से गए हुए हैं कहीं, तो उनका वेट कर। अभी ये देखो भाई, और इसका गियर इतना हार्ड है ना भाई मेरे, वो माय क्लच दबा के गियर लगता ही नहीं है, पता नहीं कैसे चलाता है ड्राइवर यार। मैं फर्स्ट टाइम इसका एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, चला तो लिया मैंने, लेकिन इतना हार्ड गियर है ना इसका, पहला दूसरा तो बिल्कुल ही नहीं लगता है, पता नहीं क्या होता है। सो अभी फिलहाल उनके फादर का वेट करते हैं, मगर गर्मी से बुरा हाल हो गया, और इधर कुछ है भी नहीं इसमें, एसी वगैरह कुछ ऐसा वैसा तो कुछ सिस्टम है नहीं, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये चला के यार वो कैसे चलाता होगा ड्राइवर इस गाड़ी को। तो अभी फिलहाल अभी उनका वेट करते हैं, देखते हैं कब तक आते हैं। सो बस जुड़े रहो हमारे साथ, आज मेहंदी रात है तो इंशाल्लाह सारा कुछ प्रोग्राम आपको दिखाएंगे अच्छे से, प्यारे से व्लॉग में बने रहना। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो अभी ये फंक्शन है कि ये चल रहा है, जब इस पे जो है खाना बनाने वाली जगह, इस पे डालते हैं ये टॉफियां, ये बांट रहे हैं अभी। तो यहाँ के जो बुजुर्ग होते हैं वो सबसे डालते हैं, अच्छी बात होती है, फिर उसका बांटते हैं। अब तैयारी है कि ये शाम कब बनाएंगे तो खाना वगैरह इस पे। ऑलमोस्ट यहाँ पे बर्तन आप देखो कितने हैं, देखो भाई कितने बर्तन हैं, आप खुद ही सोचो इस हिसाब से कि कितनी डिशेज बनने वाली हैं, तो कितना खाना बनने वाला है। तो ये तैयारी चल रही है अभी मेहंदी रात की, देखते हैं मेहंदी रात के लिए क्या क्या बनेगा, बस जुड़े रहो हमारे साथ। अभी जो है ये मीट काटने का प्रोसेस चल रहा है, चिकन के पीस करेंगे तो वो प्रोसेस इधर चल रहा है अभी। फिलहाल बाकी मीट तो नहीं आया है, देखते हैं अभी बाकी चीज़ें कब तक आएगी। तो ये पनीर भी इधर आ चुका है बहुत सारा। हाँ या ब्रो, तुझे क्यों नहीं लाएगा हम, ये हमारे शोएब साहब है, इसने बहुत मेहनत की, मैनेजर साहब हमारे। तो फिलहाल यहाँ पर प्याज वगैरह पक चुके हैं, तो बाकी चीज़ें मिर्ची बॉईल हो रही है, इसका कोरमा बनता है फिर बाद में। तो प्याज यहाँ पर, प्याज वहाँ कोरमा, तो यहाँ पर पानी बॉयल हो रहे हैं इसमें। तो अभी फ़िलहाल बाकी चीज़ें भी कब तक बनेंगे सारा कुछ आपको प्रोसेस दिखाऊंगा, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा। तो बस इसी तरह बने रहो, इसी तरह जुड़े रहो हमारे साथ, तो आपको सब कुछ दिखाएंगे हम, बस प्यारे से व्लॉग में जुड़े रहें। यहाँ से कौन बोल रहा है, ये दम क्या दे रहा है, ये कौन है तू, कौन है तू? तो चिकन आप देख सकते हो बॉईल हो चुका है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर एक भाई हमारे बिजली फिटिंग कर रहे हैं, और मेहनत चल रही है हमारी इस टाइम पे बिजली फिटिंग की, और कुछ नहीं हाथ में तार लिए पकड़े हैं हम, और बिजली फिटिंग चल रही है यहाँ पे। बल्ब लगाने थे, एक लगा दिया अभी वहाँ पे, तो अभी ये करेंगे फिट, उसके बाद मिलेंगे हम थोड़ी देर में आपके साथ। तो बाकी यहाँ पर तैयारियाँ तो चल ही रही हैं, खास खास खास। तो अभी देखते हैं रात का प्रोग्राम क्या होता है। Hours later. एक प्रोसेस चलता है पहले मीट काटने का, थोड़ा पीस छोटे छोटे करने का, उसके बाद सेकंड प्रोसेस चल रहा है ये, थर्ड प्रोसेस में नमक वगैरह डाल के उसके बाद कुटते हैं, एंड फिफ्थ
एंड सिक्स और सेवन्थ सारा कुछ रिश्ते वगैरह कबाब वगैरह बन रहे हैं कुट कुट के। तो ये चीज़ें प्रोसेस चल रहा है अभी कल के लिए, आज के लिए तो आज मेहंदी रात है, कल के लिए सारा प्रोसेस चल रहा है अभी। तो फिलहाल रेडी है, तैयार है वाजवान सारे, अभी अभी जा रहे हैं हम बाहर। एक्चुअली मैं जा रहा हूँ बाहर थोड़ा सा कुछ पानी वगैरह जूस वगैरह पीने, मैंने कहा दिखा देता हूँ आपको। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में आपसे शाम के टाइम, बड़ा प्यारे से लुक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई, अभी शाम का टाइम हो रहा था, रात का टाइम हो रहा था, तो यहाँ पर एक ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, बारिश आ गई अचानक से और सारी मैटिंग वगैरह यहाँ पे गीली हो गई है। और बाकी जो है टेंट वगैरह तो आप देख ही रहे हो, खूबसूरत लग रहा है। अभी हमने साइड किए सारी मैटिंग वगैरह, अभी ये जो है साइड पे करी, तो ये तो भाई पानी पानी अंदर आ चुके, आप देखते हैं क्या होता है। तो अभी आपको मैं दिखाऊंगा गेट से एंटर होकर अंदर कितना प्यारा लगता है और कितना प्यारा व्यू आता है, वो चीज़ आपको मैं दिखा रहा हूँ अभी। तो अभी साइड से देखो लाइटें ब्लिंक कर रही है और प्यारा लग रहा है, और ये मकान कितना प्यारा लग रहा है। ये मकान एक है, उसके बाद अंदर जाके सीधा गली में एंटर होके वो टेंट आता है, टेंट के बाद उसके बाद दूसरा मकान आता है। तो ये व्यू देखो कितना प्यारा है। शराब के गिलास को बांट रहे, शराब के गिलास को बांट रहे। फाइनली गाइज हम मेहंदी रात में आज ऐड हो चुके हैं, रिश्ते कबाब कुछ ना कुछ ऐसे वैसे कुछ खाने के लिए तो नहीं है फिलहाल, अभी जो सिंपल डिश है आज वो खाने के लिए हम तैयार हो चुके हैं अभी, तो ये देख सकते हो आप। और ये फासिल क्या नाम है तेरा, फासिल फासिल पे थी हंसी आ रही है। खा खा खाना कोई नहीं अच्छे से चल, हम कह रहे हैं इसको फिनिश करते हैं, तो देखते हैं फिर मिलते हैं आपसे। फूलगोभी की यखनी आ चुकी है यहाँ पे, पहले फूलगोभी खा तू माँ के कसते गर्म है, फूलगोभी यखनी चलती है मेहंदी रात के दिन इंशाल्लाह। इसको फिनिश करेंगे, तीन बार पकड़ लिया खाना तो तीसरी बार भी इसको फिनिश करने वाले हैं, तो बिस्मिल्लाह करते हैं हम फिर से तीसरी बार फिर चलते हैं अपनी शुरुआत।
मेरी मेरी बारात का के हारून वेट्स दान क्या हुए नाम है दानिश सर देख लेके अपने भाई को देखो भाई ये भाई फुली फुली अलग लुक में है ये सारू में इसका कुछ नहीं है भाई ये सारे लुक है अलग लुक है इसकी इधर में डैल वाली देखो केक वेक वाला कहाँ के ना
रहता है, मेरा अड्डा है, जब मन करे आ जाना, राजू मेरा नाम है, बहुत प्यार से लोग मुझे बुलाते हैं क्वीन नंबर वन। Plug-in hybrid.